ओम शांति। आज की तारीख है 3/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी योद्धे, युद्ध करने वाले। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं जिनसे माया दुश्मन पर तुम्हें जीत पानी है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान और योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिकर किस बात की करें। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है, मुरली के नोट्स भी जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान और योग में तीखा बनना है। नंबर 1, पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। बाबा कहते हैं कि हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट कर्म साधारण न हो, हर पार्ट उसका एक्यूरेट हो। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को वो ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का पार्ट भी हो, लेकिन अंदर ये रहे कि ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।